नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए को 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से राजस्थान में सरकार बनी है तब से लेकर अब तक अपना काम धीरे धीरे कर रही है और फूक फूक कर कदम रख रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा को चुना, उसमें भी काफ़ी वक्त लगाया और भजन लाल शर्मा को चुनने के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी टाइम लिया और हर समाज के नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिसके बाद में भजन लाल शर्मा सरकार में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। और अब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि भजन लाल शर्मा सरकार में 22 मंत्री शपथ ले चुके हैं और इनके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को भी इंतजार है कि उनको कौन सा महकमा दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राजस्थान का गृह मंत्रालय किसे दिया जाएगा, इस पर सबकी नज़र है। इसमें प्रमुख तौर पर कई नाम चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा 2 नाम आगे आ रहे हैं और वो हैं, एक तो खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दूसरा है किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भजन लाल शर्मा के अलावा गृह मंत्रालय को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर का ये भी जा रहा है सीएम खुद के पास गृह मंत्रालय रखा जा सकता है, और अगर सीएम के पास नहीं रखा जाएगा तो फिर ये डिपार्टमेंट किरोड़ी लाल मीणा को मिल सकता है। इसके कारण है कि वो एक सीनियर नेता हैं और कैबिनेट में शपथ भी सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने ली थी। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास किरोड़ी लाल मीणा माने जाते हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा गृह मंत्रालय के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।